हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। तो फाइनली आज FCI AG3 फेज 2 की एग्जाम और हो चुकी है, मेंस एग्जाम और हो चुकी है। तो चलिए बात करते हैं एग्जाम का लेवल कैसा था, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे और साथ ही साथ यहाँ गुड अटेम्प्ट क्या रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश का जो लेवल था ये IBPS PO प्रीलिम्स के लेवल का था, इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक पूछा गया था, वाटर कंजर्वेशन के ऊपर एक कुछ क्वेश्चन था, लगभग 10 क्वेश्चन इसे पूछे गए थे, जिसमें एक सिनोनिम से पूछा गया था, एक फील्ड का सिनोनिम पूछा गया था और एक मेजर का सिनोनिम पूछा गया था। देन एरर डिटेक्शन से लगभग 4 to 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, फ्रेजल वर्ड से 4 to 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, मिस स्पेल्ड के लगभग 4 to 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। देन करेक्ट यूसेज पूछा गया था, एक वर्ड दिया गया था सर्टेन, इसका करेक्ट यूसेज पूछा गया था, इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ओवरऑल इंग्लिश का पेपर ठीक ठाक था, इजी टू मॉडरेट था। अगर आपकी इंग्लिश ठीक है तो आप अच्छे मार्क्स यहाँ स्कोर कर लोगे। रीजनिंग की बात करते हैं तो फ्लोर फ्लैट बेस पर सब पूछा गया था, 5 क्वेश्चन इसके पर थे। देन सिंगल लीनियर रो नॉर्थ एंड साउथ अरेंजमेंट थी, तो इससे लगभग 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये थोड़ा टाइम टेकिंग था, लंबा क्वेश्चन था ये, एंड 9% इसमें थे। देन मंथ बेस्ड पजल पूछा गया था, 5 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। सिलॉक्स से लगभग 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। देन पेयरिंग के ऊपर 1 क्वेश्चन पूछा गया था, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए दिया गया था। तो आप मीनिंगफुल वर्ड आपका क्या बना था आप कमेंट करके मुझे बताना। कई लोग कह रहे टीयर, TIER, RIT एंड TIRE, आपका क्या बना आपने बताना कमेंट करके। देन नंबर बेस्ड 1 क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद डायरेक्शन सेंस से लगभग 3 क्वेश्चन पूछे गए थे एंड इक्वालिटी से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ओवरऑल अगर रीजनिंग की बात करें तो इसका लेवल IBPS PO प्रीलिम्स के लगभग ही था एंड इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। बस एक जो ये जो लीनियर रो वाला जो क्वेश्चन था ये थोड़ा टाइम टेकिंग था, बाकी ओवरऑल जो क्वेश्चन थे वो ठीक ठाक थे। तो अब बहुत सारे कैंडिडेट्स ये जो लीनियर रो वाला जो क्वेश्चन था, जो पजल था, इसी में फंस गए थे, जिसके कारण वो आगे क्वेश्चंस उतने ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे। तो आप देख लेना आपका कैसा गया, आप कमेंट करके बताना। क्वांट की बात करते हैं तो क्वांट सबसे ज़्यादा लेंदी था, टाइम टेकिंग था और टफ भी पूछा गया था, मॉडरेट टू टफ क्वेश्चंस कह सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। देन किसलेट DI पूछा गया था, 5 क्वेश्चंस इससे थे। देन एक टैबलेट DI पूछा गया था, लगभग 5 क्वेश्चंस इससे पूछे गए थे। देन एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें पाई चार्ट एंड टेबल दोनों दिया गया था, इससे भी लगभग 5 क्वेश्चन पूछे थे और ये टफेस्ट था। इसके बाद अरिथमेटिक से लगभग 4 to 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, नॉर्मल क्वेश्चन थे, बोर्ड स्ट्रीम वगैरह, देन नंबर सिस्टम मिक्सचर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा एक और DI पूछा गया था, यानी कि DI बहुत सारा पूछा गया इस बार। एक सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर DI था, जिसमें 2 to 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये छोटा ही DI था। लेकिन ओवरऑल अगर आप यहाँ देखोगे तो डेटा इंटरप्रिटेशन इतना सारा पूछा गया था, DI इतना सारा पूछा गया था, जिसके कारण क्वांट बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया, बहुत ज़्यादा टफ हो गया था। आप कमेंट करके बताना कि आपको क्वांट का लेवल कैसा लगा। नेक्स्ट अगर बात करें जनरल स्टडीज़ की, तो जनरल स्टडीज़ में ऑलरेडी उन्होंने मेंशन कर दिया था कि कंप्यूटर से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, देन करंट अफेयर्स से कितने पूछे जाएंगे। तो अगर आपने उसके अकॉर्डिंग अच्छे से प्रिपरेशन किया था तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे जनरल स्टडीज़ में। और GS में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, 45 क्वेश्चन पूछा गया था, बाकी सारे सेक्शन से कल 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि जनरल स्टडीज़ में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसलिए GS ही सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाला। अगर GS में आप अच्छा स्कोर करते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। GS का लेवल एज एक्सपेक्टेड था, जैसे बाकी एग्जाम्स में GS पूछा जाता है। और ऑलरेडी यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे SSC टाइप के क्वेश्चंस पूछे, यानी कि SSC में जैसा GS पूछा जाता है उसी टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, तो वही हुआ है। तो इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। देन करंट अफेयर्स से फरवरी मंथ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, 7 क्वेश्चंस लगभग पूछे गए थे, 7 to 8 क्वेश्चन। और देखिए ऑलरेडी जब भी करंट अफेयर्स होता है किसी भी एग्जाम में, करंट अफेयर्स का सेक्शन रहता है, तो हमेशा आपको याद रखना है कि करंट अफेयर्स आपको पूरा 6 मंथ्स का करना है, लास्ट 6 मंथ्स का कवर करना है, लेकिन पहले के जो 2 मंथ्स है वो अच्छे से कवर करना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन उन्हीं 2 मंथ्स से पूछे जाते हैं। तो लास्ट के जो 2 मंथ्स रहते हैं एग्जाम के जस्ट पहले वाले 2 मंथ्स, उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ भी वही हुआ है, फरवरी मंथ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। देन हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग 15 से ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे गए हैं हिस्ट्री से। देन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे गए थे, एज यूजुअली पूछा जाता है। तो ओवरऑल पेपर इजी टू मॉडरेट था जनरल स्टडीज़ में। तो ओवरऑल अगर बात करें तो पेपर मॉडरेट लेवल का था, केवल जो क्वांट का सेक्शन ये काफ़ी टफ था, जिसके कारण पेपर मॉडरेट लेवल का हो गया। अदरवाइज अगर आप जनरल स्टडीज़ का सेक्शन देखो या फिर इंग्लिश देखो या रीजनिंग देखो तो बहुत टफ लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। आपके अकॉर्डिंग पेपर कैसा था, पेपर का लेवल कैसा था, आप कमेंट करके बताना। आपने किस जोन से फॉर्म फिल किया हुआ है और साथ ही साथ आपने सेक्शन वाइज कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, ये कमेंट करके जरूर बताना। और अगर गुड अटेम्प्ट की बात करें तो अगर आपने 80+ अटेम्प्ट किया हुआ है तो ये गुड अटेम्प्ट रहेगा।